स्वाति नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 15वां नक्षत्र है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से स्वाति नक्षत्र के सभी चार चरण तुला राशि में होते हैं, इसलिए इस नक्षत्र पर तुला राशि और इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र का भी प्रभाव होता है। ये कई तारों का समूह न होकर केवल एक तारा है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ शुभ नक्षत्र पुंज से लिया जाता है। चंद्रमा के स्वाति नक्षत्र में होने पर जब बारिश होती है तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आप एक आकर्षक चेहरे और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं। इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान होता है, कहीं भी जाएं अलग ही दिखते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, दिखावा आपको पसंद नहीं। हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, शिष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, विद्वान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, आत्मनियंत्रण भी देखा जाता है, दयालु होते हैं और कानून व्यवस्था का पालन करने वाले होते हैं। इनमें कलात्मक रुचि भी होती है। इस नक्षत्र पर ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का प्रभाव होता है। इस नक्षत्र का स्वामी राहु है और इसीलिए इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो शौकीन होते हैं, रोमांटिक होते हैं, मौलिक विचारों के धनी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, डिप्लोमेटिक रूप से बहुत ज़्यादा काम करना इन्हें आता है, किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इन्हें डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय चाहिए होता है ताकि अच्छे से सोच समझ कर कोई डिसीजन ले सकें। बहुत धैर्य भी इनके अंदर होता है। ये लोग टीम के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपोजिट सेक्स के लिए इनमें खासा आकर्षण होता है। इनके मित्रों में अपोजिट सेक्स के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। राहु के कारण कूटनीतिक चाल और चतुराई से काम निकालना भी इन्हें खूब आता है। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में नेतृत्व क्षमता भी बहुत अच्छी देखी जाती है। ये सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन दोस्त बनाने में इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना होता है। स्वाति नक्षत्र में जिन महिलाओं का जन्म होता है वो भी बहुत ज़्यादा समय अपने घर में बिताना पसंद करती हैं। इनका जो भाग्योदय होता है वो 25वें साल के आसपास होता है। बिजनेस में इन्हें लाभ होता है, सक्सेसफुल लाइफ होता है। हालांकि पढ़ाई लिखाई करने में इन्हें कई बाधाओं का सामना करना होता है। इनके वैवाहिक संबंध जो हैं वो सामान्य से दिखते हैं लेकिन कई बार इन्हें फिनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा उत्साह नहीं देखा जाता। पुरुषों को पेट और पाइल्स से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, महिलाओं को थकान और मानसिक परेशानी हो सकती है, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कई बार आलस के कारण ये अवसरों का सही लाभ नहीं उठा पाते हैं। अपने कामों पर किसी तरह की टिप्पणी इन्हें पसंद नहीं। अगर इनकी नज़र में सामने वाला दोषी है तो बदला लेने में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। चालाकी से काम निकलवाना इन्हें खूब आता है, हालांकि कई बार जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाबी को दर्शाने वाले इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को लक्ष्यों को पाने की जो है स्वाभाविक क्षमता होती है। आज़ादी इन्हें काफ़ी पसंद आता है। आध्यात्मिक मार्ग से भी जुड़ाव होता है, बुद्धिमत्ता होती है, ज्ञान होती है, इनके अंदर नेतृत्व क्षमता होती है। इस नक्षत्र का प्रतीक जो है अंकुरित घास का तिनका है। इसके अधिष्ठाता देव पवन देव वायु हैं। इनका पक्षी नीलकंठ या इंडियन रोलर है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग पराक्रमी और साहसी भी देखे जाते हैं। ये परिवर्तनशील परिस्थितियों में लचीलेपन को भी काफ़ी बखूबी आजमाते हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन और नए परिवेश में अनुकूल होने में सामर्थ्य रखता है। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वाति नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है और जिन लोगों का भी जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है वो अपने लाइफ में अच्छी खासी कामयाबी हासिल करते हैं।